अच्छा जी, आज जरा सर क्वेश्चन नंबर 38 पे ये है मेरे पास सर। 38 इज अबाउट रिलैक्सिंग नॉन मार्केट कंडीशन, ठीक है जी। आए देखिए इसमें क्या कह रहे जनाब, ये कह रहे जनाब, ऑन 1 जनवरी 2010 कंपनी एच ग्रांट्स 1000 शेयर ऑप्शंस टू एन एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू 4 ईयर सर्विस कंडीशन एंड द कंपनी अचीविंग अक्यूमुलेटिव प्रॉफिट टारगेट ऑफ 100 मिलियन एट द एंड ऑफ द सर्विस पीरियड, ठीक है जी। हमने कहा भाई 4 साल रुको, 100 मिलियन की प्रॉफिट लेकर आओ कंपनी के लिए, ठीक है जी। ये दोनों टारगेट है तुम्हारे। अच्छा जी, एट द ग्रांट डेट द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एम्प्लॉय एंड दैट प्रॉफिट टारगेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेट। हाउ एवर इन 2011, इसका मतलब 2010 तो सुकून से गुजरा, तो मैं अगर एक काम करूं सर, मैं रखूं ईयर इंस्ट्रूमेंट्स फेयर वैल्यू टाइम क्यूमुलेटिव एक्सपेंस पीरियोडिक एक्सपेंस। सर ईयर है मेरे पास 2010, इंस्ट्रूमेंट है 1000 1000, जी हाँ सर, फेयर वैल्यू 10, 4 साल की सर्विस कंडीशन और 4 साल ही में टारगेट अचीव करना है आपको कंपनी का 100 मिलियन का प्रॉफिट। तो ये आ गया सर मेरे पास पीरियोडिक एक्सपेंस। 31 दिसंबर 2010 पे मैंने कंट्री पास की, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 2500 से और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व मैंने क्रिएट कर दिया कितने से, 2500 से, ठीक है जी। इसके बाद हुआ क्या, इन 2011 द प्रॉफिट टारगेट इज नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू बी मेट, देयर फॉर इन 2012, इसका मतलब है 2011 में टारगेट मीट होने लायक नहीं था। तो हम सबको पता है कि सर अगर नॉन मार्केट कंडीशन मीट नहीं होती तो इंस्ट्रूमेंट जीरो हो जाते हैं, नहीं देना हमने कुछ भी सर, टाइम आप कुछ भी रख दो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सब चीजें जीरो हो जाएंगी और आपका क्यूमुलेटिव एक्सपेंस नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब हमें रिवर्स करना पड़ा, 31 दिसंबर 2011 में ये एक्सपेंस हमें रिवर्स करना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा सर, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट 2500 से, ठीक है जी, और सर रिवर्सल ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सपेंस कितने से, ₹2500 से, डन। इसकी मैंने एंट्री पास की सर। अब 2012 में हमने क्या किया, 2012 में द टारगेट वॉज रिड्यूस टू एन अमाउंट ऑफ 80 मिलियन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन विच एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मेट, ठीक है जी। सर अगर आपने ये चेंज कर दिया तो देखो एक्स्ट्रा अवार्ड हमने उसको नहीं दिया, टारगेट उसके लिए हमने सिर्फ रिलैक्स किया। तो 2012 में हुआ ये कि हमें फिर लगने लग गया कि ये बंदा टारगेट अचीव कर लेगा, तो हमने 3/4 कर दिया सर। खर्चा सर हमारे पास क्यूमुलेटिव आ रहा है इतना, अब बताएं सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ₹7,500 का एक्सपेंस बुक हुआ 2012, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, ठीक है जी, 7,500 से। फिर वो कह रहा है जनाब द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू द शेयर ऑप्शन, अच्छा फिर वो कह रहा है जनाब द रिवाइज प्रॉफिट टारगेट इज ऑल्सो नॉट मेट एट द एंड ऑफ 2013। फिर बंदे ने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको दिखा दी अपनी औकात, नहीं अचीव किया, जीरो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने नहीं दिए, आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस दोबारा जीरो सर, तो 7,500 का रिवर्सल। याद रखना नॉन मार्केट कंडीशन रिलैक्स होगी, कोई एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं आएगा, ठीक है, बस आपके पास जो है वो यहाँ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा ये, ठीक है जी, कर लोगे मैनेज सर।